खबर बड़वानी से। बड़वानी पुलिस की कार्यवाही, बुजुर्ग की हत्या के तीन आरोपी लिए हिरासत में। 26 जनवरी को तीनों ने वाद विवाद के बाद बुजुर्ग से किया था विवाद। धक्का देने के बाद गिरे बुजुर्ग की हो गई थी मौत। बड़वानी कोतवाली पुलिस को आज हत्या के तीन आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता मिली। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुनील भील की बेटी से मृतक बुजुर्ग का पोता फोन पर बात करता था, जिसको लेकर सुनील अपने साथी अनिल और बबलू के साथ 26 जनवरी को मृतक के घर गया, जहां मृतक से वाद विवाद कर उसे लात मारकर गिरा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और सभी लोग वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लेते हुए तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिन्हें आज हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्यवाही कर इन्हें न्यायालय पेश करेगी। सर, कोई हत्या का मामला है? ये 26 जनवरी की बात है, दिन में करीब 12 बजे की बात होगी। चेला मानकर जो बगूस के निवासी है, 70 साल उम्र होगी, इनसे जो है देहलदा के रहने वाले जो सुनील भील है, उनके साथी जो है अनिल और दारा, ये सुनील, अनिल और बबलू, ये तीन लोग विवाद करने गए थे कोई पुरानी बुराई पे से। और विवाद के दौरान जो बगूद में चेला मान करते वो अपनी दीवार, मकान की दीवार बना रहे थे, उसी दौरान इन्होंने तीनों ने उनसे वाद विवाद किया। वाद विवाद के दौरान जो है धक्का दिया जोर से और एक लात भी मारी, जिससे जो है चेला मानकर जो है गिर गए। और गिरने के बाद उनकी जो है थोड़ी देर बाद डेथ हो गई, जिसमें से पूरी जांच की गई थी। और जांच पे से तीनों आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 302 IPC का अपराध पाए जाने से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और तीनों आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, विवाद क्या था इन लोगों के बीच? विवाद जो अभी प्राथमिक रूप से जो सामने आया, यह था कि जो चेला मानकर है उसका जो पोता है और जो सुनील आरोपी इस मामले का, सुनील इसकी जो बालिका है, वो आपस में बातचीत करते थे, तो उसी वजह से इसको आपत्ति थी, तो वो समझाने गए थे और उसी दौरान फिर ये उत्तेजित होकर उत्तेजना में ये घटना हुआ। सर, तीनों आरोपी हिरासत में? जी, तीनों आरोपी जो है पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।